हेलो त्रिभुवन, हमारा रे ऑप्टिक्स का ये एक कंक्लूडिंग पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वन मार्क वाले क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें ये आर्टिकल में आगे आएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कंपल्सरली आएंगे, कोई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप उसका रिलेटेड क्वेश्चन या फिर उसका रे डायग्राम, ये तो कंपल्सरली आएगा ही आएगा, ऐसे सोच लो। तो कीपिंग ऑल दोस थिंग्स इन माइंड, हमें डिटेल्स में सारा चीजों को देखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी डेवलप करना है। तो लेट अस प्रोसीड एंड सी। ह्यूमन आई डिफेक्ट्स एंड करेक्शन, तो ये है आपकी आंख, ये आंखों की बनावट ऐसा है। आई डोंट वांट टू गो टू द बायोलॉजिकल डिस्कशन टू दिस, यू पीपल नो बेटर देन मी। बस मुझे ये मालूम है कि हम कहेंगे इसको आई लेंस और इसको कहेंगे रेटिना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने आता है थ्रू द आई लेंस, इट क्रिएट्स एन इमेज ऑन द रेटिना, तो रेटिना उसको सेंस करता है और आप चीज को देख लेते हो। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट इज द थिंग। तो पहला चीज तो ये है कि आर आई फैक्ट्स रिलेटेड टू आई, the eye lens is a convex lens, eye lens is a convex lens, हाँ ये समझ में आया, eye lens is a convex lens। अब इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, तो अब अगर इसके सामने हम मान लेते हैं कि ऐसा कहीं एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, here is an object, अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, यू विल सी द ऑब्जेक्ट विल हैव, इफ ए रे गोज लाइक दिस, तो ये रे तो कहां जाके गिरेगा, एट दी, हां अगर मानेंगे कैसे जाके गिरेगा, सपोज इट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां पे कहीं गिर रहा है ना, यहां पे कहीं गिर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका हेड कुछ यहां पे बन रहा है और टेल यहां पे बन रहा है, तो आप कहोगे कि इमेज यहां पर बन रहा है। तो ये कैसा इमेज बन रहा है, एक रियल इंपॉर्टेंट इमेज बन रहा है, ठीक है ना। ये रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिफीटेड, हम जानते हैं कि यहां पर इमेज बन रहा है, तो इमेज यहां पे ही बन रहा होगा, ये हेड का इमेज यहां पे बन रहा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, एक्सक्यूज मी, द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएट्स ए रियल इंपॉर्टेंट इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है। पॉइंट नंबर टू में द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ आई प्रोड्यूसेस ए रियल इंपॉर्टेड इमेज और रेटिना। हाँ देखो, अगर मेरे क्लास को आप ध्यान से सुन लोगे, नोट बना के दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिस सो इजी चैप्टर। ढंग से नहीं सुनोगे, बाद में खुद से समझ के रे डायग्राम करके समझने की कोशिश करोगे, इट बी रियली ट्रबलसम, काफी लोगों का तो बनता नहीं, काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपको एक बार रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आई गिव यू एश्योरेंस। ध्यान से सुन लेना, द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ आई प्रोड्यूसेस ए रियल इनवर्टेड इमेज और रेटिना। अच्छा, ये जो आई बॉल है, डायमीटर ऑफ आई बॉल इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, ये जो आई बॉल है इसका डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। सर बच्चों का भी 2.5 सेंटीमीटर रहता है, बड़ों का भी 2.5 बराबर रहता है, क्योंकि आई बॉल में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होता, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ए किड एज वेल एज फॉर ए एल्डरली पर्सन। तो इसमें ये डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। तो इमीडिएटली दिमाग में क्या आया कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो,
ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो, इमेज तो यहां बनना ही बनना है। मतलब अगर हम इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, एक चीज फिक्स्ड है, क्या है? इमेज डिस्टेंस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, विल सी द इमेज डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। अगर इमेज डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर नहीं है, उससे कम है तो डिफेक्ट है, जिसको मायोपिया कहते हैं, ज्यादा है तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इमेज डिस्टेंस 2.5 होना फिक्स्ड है, उतना रहेगा तो यू से यू आर हैविंग ए हेल्दी आई। सो क्या देखे, आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ आई प्रोड्यूसेस ए रियल इनवर्टेड इमेज ऑन रेटिना, डायमीटर ऑफ आई बॉल इज 2.5 सेंटीमीटर। नाउ रिलैक्स्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए far away distance, मतलब बहुत ज्यादा दूर में है, you are looking at the moon or at the sun, that is u is infinity, when the object is at far away distance, the eye is least strained, eye is relaxed, strain negative क्यों लिखेंगे, positive लिखेंगे, eye is relaxed। आपको मून को देखने के लिए आंखों को ऐसे 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 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मून को देखने के लिए आराम से रिलैक्स्ड आई से आप मून को देखते हो, है कि नहीं, आई इज रिलैक्स्ड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में है तो आई आपका रिलैक्स रहता है, स्ट्रेन्ड नहीं रहता है। कोई चीज को ऐसे मान लो कि कोई मेडिसिन लेके आया, डेट ऑफ एक्सपायरी आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके देख रहे हो पास में लेके, तो यू सी योर आईज आर स्ट्रेन्ड, मून को देख रहे हो, सोचो योर आईज आर रिलैक्स्ड। पेन के कितनी भी देर मून को देखो, योर आईज विल नॉट बी पेनिंग। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे दे दिया गया 50 तो मेडिसिन सबका एक्सपायरी डेट देखो, तो आंखों में दर्द होने लगे, है ना, बिकॉज़ यू आर लुकिंग एट द स्ट्रेन आई। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फार अवे डिस्टेंस, दैट इज यू इज इंफिनिटी, आई इज रिलैक्स्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, फॉर ए रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई यू इज इंफिनिटी, है ना, डी कितना हुआ, वो हम कहेंगे कि ये हमारा जो आंख है इसमें यहां से इधर से आ रहा है इंसिडेंट रे, तो हम कहेंगे कि ई डिरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा, डी को पॉजिटिव लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, डी को हम पॉजिटिव ले लेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो भी 2.5 सेंटीमीटर हो गया, भी 2.5 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 2.5 is 2.5 centimeter. So what should be the focal length of eyes? Focal length of eyes is given by 1/FG equal to 1/V-minus 1/U. Ordinary lens formula. ये तो सबको मालूम है. Ordinary lens formula. 1/V-minus 1/U. आपको मालूम है? हाँ. तो चलो थोड़ा डाल के देखते हैं इसमें क्या आ रहा है. This gives you 1/FG equal to 1/2.5 centimeter. Just a minute. 1/2.5 सेंटीमीटर और 1/U हो गया 1/∞, दैट इज 0, क्योंकि U का वैल्यू इंफिनिटी, इसका मतलब F इज 2.5 सेंटीमीटर। और अगर हम पावर निकालने की कोशिश करेंगे, पावर होता है 1/focal length इन मीटर, सो इट इज 2.5 × 10⁻², इट इज कमिंग आउट टू बी 40 डायमीटर। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, जब आप किसी दूर के चीज को देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट द मून, है ना, व्हेन यू आर लुकिंग एट द मून, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ योर आई, फॉर ए हेल्दी आई फोकल लेंथ इज ओनली 2.5 सेंटीमीटर, है ना, पावर कितना है 40 डायमीटर, ठीक है, ठीक है। तो रिलैक्स्ड आई से जब कोई चीज को देख रहे हैं, आपका फोकल लेंथ इज ओनली 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज फिक्स है कि ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन फिक्स है, क्योंकि रेटिना पे गिरेगा तभी हमें दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट देन फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज विल बी हियर, दैट इज पॉसिबल इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस वन इज चेंजिंग। तो आई क्या करता है, अपना फोकल लेंथ को कम ज्यादा करता है। सर फोकल लेंथ को कैसे कम ज्यादा कर सकता है, अरे प्रीवियस क्लास तो हम लोग देखें, द फोकल लेंथ इज गिवन बाय द फार्मूला μ - 1/1 और μ2 - μ1 by μ
1/r minus 1/r2 मतलब by changing the radius of curvature of the two surfaces I can change its focal length. ठीक है, कभी वो compress हो जाता है तो accordingly वो adjust करता है दोनों surface का, ये दोनों surface का radius of curvature को adjust करके वो focal length को adjust करते रहता है. देखो brain कितना ताकतवर है ना, और ये automatically होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है. It is you are not doing it. ब्रेन लॉस, जैसे कोई मच्छर बैठा है हाथ एग्जैक्टली जाके मच्छर पे ही मार देता है ना. कोई अंधेरे में आपको कोई कोई चीज दिया गया खाने के लिए, ऐसा कभी हुआ है अंधेरे में खाते वक्त तो आके आंख में घुस गया? नहीं, वो सीधा मुंह में जाता है. हाउ? ब्रेन लॉस. ब्रेन को मालूम है कि कैसे करना है तो ये एडजस्ट कर लेता सब कुछ. पॉइंट नंबर सिक्स में देखिए, नोट पॉइंट नंबर सिक्स. हियर आई वांट टू गिव यू अ टर्म कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस LDCD. It is called least distance of clear vision. कोई चीज हमें क्लियर कब दिखता है? सर जब वो नजदीक होता है. हाँ, नजदीक होने से क्लियर दिखता है जो. लेकिन सोचो तो, इफ आई ओपन ए बुक वेरी क्लोज टू योर आई, वेरी क्लोज टू योर फेस, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट. तो कितना दूर, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कितना होने से हमें पूरा क्लियरली दिखेगा, उससे ज्यादा दूर होने से अलग बात है. मिनिमम डिस्टेंस, हम मिनिमम डिस्टेंस की क्यों बात करें? क्योंकि जब कोई चीज हमारे नजर के सामने रहेगा, पास रहेगा, तभी वो हमें बड़ा दिखेगा, दूर जाएगा तो छोटा दिखेगा. हम चाहते हैं हमें चीजें बड़े बड़े दिखे. बड़े बड़े दिखने के लिए बहुत पास रख देंगे तो देख नहीं पाएंगे, ब्लर हो जाता है. तो मिनिमम कितना डिस्टेंस में रखने से हमें ये चीज क्लियर भी दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा. That is least distance of clear vision denoted as D. आगे आगे इसको हम D कहेंगे. ठीक है, ध्यान रखना क्या है. The minimum distance. ये अब बोलोगे सर ये चीजें सब मालूम है. ठीक है, अब ये जो चीजें मालूम है ना, अगर यही चीजें बढ़िया से समझ जाओगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें. ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई फॉर विच इट इज क्लियरली विजिबल. बड़ा भी दिखाई देता है, वो पार्ट को भी नहीं लिख रहा हूं, जब हम विजुअल एंगल की बात करेंगे तब बताएंगे. क्लियरली विजिबल है जो मिनिमम डिस्टेंस के लिए. यूजुअली छोटे बच्चों के लिए डी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर करीब होता है और थोड़ा एजेड लोगों के लिए 40 सेंटीमीटर करीब होता है, बट वी टेक एवरेजली इट इज 25 सेंटीमीटर. सो इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल आई. ठीक है, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर है. अगर डाटा नहीं दिया गया है, यू हैव टू अस्यूम दिस टू बी 25 सेंटीमीटर, वेल एक्सेप्टेड डाटा. मिनिमम डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस डी इज क्लियरली सीन बट विथ स्ट्रेन आई. कोई मेडिसिन का एक्सपायरी डेट देख रहे हो आप, कुछ दूर पे रखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, बट नॉट विथ रिलैक्स्ड आई. आंखों पे थोड़ा कसरत करना पड़ेगा, स्ट्रेन्ड आई है, क्योंकि नाउ द आई विल हैव द अदर लिमिट ऑफ पावर. ठीक है, अपर लिमिट ऑफ पावर में जाएगा तो स्ट्रेन्ड आई वो फोकस करने की कोशिश करेगा, कहां पे, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा उसको देखने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो डी इज क्लियरली सीन बट विथ स्ट्रेन्ड आई. For u is equal to minus d, why minus d? क्योंकि आंखों के सामने, तो आप बोलोगे कि ये हाँ मैं इसको I'll take it to other page. Straight line. Point number 8. अब सोचो कि आपकी
आंखों के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी आंखों के सामने कितना दूर पे रखा है, इट इज डिस्टेंस डी रखा गया है, हियर इज द ऑब्जेक्ट, कितना दूर पे, इट इज डिस्टेंस डी। अब ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ओनली इफ इसका इमेज रेटिना पे फॉर्मेशन होता है, तो ठीक है रेटिना पे फॉर्मेशन करवाते हैं इसका इमेज को, तो आप कहोगे कि ये ऐसे आया, ऐसे आया है ना, और दूसरा आया, जस्ट मेकिंग ए रे डायग्राम, टू रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलते हैं वहां पर तो इमेज होता है, तो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब फॉर यू इज इक्वल टू माइनस डी, वाई माइनस डी, बिकॉज दिस डिरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव, नो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव दिया जाता है। भी कितना हो गया, वही 2.5, भी तो वही 2.5 है, यू बदलते रहता है 5 सेंटीमीटर, तो अगेन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, और इट इज 1 बाई भी हो गया 2.5 माइनस 1 बाई माइनस 25, क्योंकि डी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ऐसे लेके चलते हैं, तो ये कितना हो गया, इट इज कमिंग 1 बाय 2.5 प्लस 1 बाय 25, दिस कैन बी रिटन एज 10 बाय 25, 1 बाय 25 मिला के करो 11 बाय 25, और फोकल लेंथ इज 25 बाय 11 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट पावर, द पावर इज 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर इज 1 बाय 25 बाय 11 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट करके गया 11 ऊपर, डिवाइड करो सिंप्लीफाई करो, यू आर गेटिंग 44 डायमीटर। तो क्या हो गया, जब आप कोई स्ट्रेन आई से देखते हो, आप आंख की फोकल लेंथ को ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करके ट्रेस करके क्या कर देते हो, 25 बाय 11 कर देते हो, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा फोकल लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है 25 बाय 11, और वो रिलैक्स्ड आई में क्या था, इट वाज रिलैक्स्ड आई के लिए क्या था, इट वाज 2.5 मतलब 25 बाय 10, so your eye focal length can change from 25 by 10 to 25 by 11, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उतना करने के लिए भी मसलत लगता है। अगर आप पास की कोई चीज, दूर के कोई चीज को बार बार देखोगे, obviously your eye will pay। आपकी आपको एक पेपर दिया गया, यहाँ पर एक लाइन लिखा है, उसका नेक्स्ट वर्ड उधर लिखा है, फिर नेक्स्ट वर्ड इधर लिखा है, बार बार दूर से और पास से अगर आप करो तो आपका आई का जो फोकल लेंथ है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा, आई विल कंटिन्यूसली चेंज इट्स फोकल लेंथ, इट विल गेट सीरियस पेन। पढ़ने की कोशिश करो, जस्ट कीप टू बुक्स, वन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम यू विद बोल्ड लेटर्स, अनदर एट ए डिस्टेंस ऑफ से 25 सेंटीमीटर फ्रॉम यू, इसमें से एक लाइन, उसमें से एक लाइन, इसमें से एक लाइन, उसमें से एक लाइन, ऐसे करके पढ़ने की कोशिश करो, तो यू विल सी यू आर इन ट्रबल, क्योंकि बार बार फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, इट गिव्स यू पेन। तो क्या देख रहे हैं, फोकल लेंथ इज 25 बाय 11 सेंटीमीटर एंड पावर इज 44 डायोप्टर। तो जब हम कोई चीज को स्ट्रेन आई से देखते हैं, फोकल लेंथ होता है 25 बाय 11, डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझाने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 9, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई the position of image is fixed, this is done by changing the focal length of eye
the length of eye from 25 by 11 centimeter to 2.5 centimeter. This ability of eye to automatically change the eye power कितने से कितने में 40 diopter to 44 diopter is called accommodation. बस पहला क्वेश्चन आया आपका, what do you mean by accommodation of eye? Accommodation of eye, समझ में आया? आई ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करता रहता है और फोकल लेंथ को 25 बाय 11 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करता रहता है, ठीक है? यूजुअली आप जानते हो द नॉर्मल रेंज ऑफ आई इज टू is from rather from 25 centimeter to infinity. 25 centimeter से infinity तक कोई चीज रहेगा तो आसानी से देख पाएगा, कैसे? By changing the focal length. जो eye ये काम नहीं कर सकता है वो eye defected है. क्या नहीं कर सकता है? नहीं, ये 40 diopter तो कर लेता है, 44 diopter मतलब focal length को 2.5 centimeter तक तो ले आता है, लेकिन 225 में 11 तक नहीं ला पाता है, या फिर ये ला पाता है लेकिन ये नहीं ला पाता है, ये हायर वैल्यू लोअर वैल्यू. फोकल लेंथ मैक्सिमम 2.5 होना चाहिए, 2.5 नहीं पहुंचता है, 2.49 पहुंचता है, और तब तो गड़बड़ है ना. तो ऐसे डिफेक्ट्स हो सकते हैं कि जो मसल्स है दे आर नॉट एबल टू चेंज द रेडियस ऑफ कर्वेचर सक्सेसफुली टू चेंज द फोकल लेंथ फ्रॉम 25 बाय 11 टू 2.5. दीज आर कॉल्ड डिफेक्टिव आईज. कोई अगर ये 2.5 सेंटीमीटर वाला चीजों को फोकल लेंथ को डेवलप नहीं कर पाता है, उसका फोकल लेंथ उससे कम है, से 2.49 है, तो फिर तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड मायोपिक आई, ठीक है? जब ये नहीं डेवलप कर पाता है तो हाइपरमेट्रोपिक आई. तो ऐसे करके हम आई का जो डिफेक्ट है, किसी का है कि ना 2.5 पहुंच पाता है ना 25 बाय 11 पहुंच पाता है, दोनों का बीचों बीच रह जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, ठीक है? उसमें दोनों डिफेक्ट है. Anyway, we shall now discuss the defects of eye and how we make the correction suite. ठीक है? Defects in eye and their corrections. आई में क्या क्या डिफेक्ट होता है, उनका करेक्शन कैसे करते हैं? पहला देखते हैं डिफेक्ट मायोपिया, इसको आप कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस. ये आई में क्या तकलीफ है? ये इट इज able to see things close to eye मतलब D से 25 सेंटीमीटर से बाहर 26, 27, 28, 28 से मैं देख सकता है आराम से, but not able to see far things clearly. क्लास में आप बैठ के पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो कि मैं जब कोई चीज डिक्टेट कर रहा हूं आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं कोई चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको स्ट्रेन हो रहा है ना, मतलब यू हैव ए मायोपिक आई. पास का चीज आपको क्लियर दिख रहा है, कॉपी में ठीक ठाक लिख पा रहे हो, लेकिन दूर में बोर्ड में मैं जो दिख रहा हूं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, काफी ऐसी मुशक्कत आप लोगों को करना पड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ए
मायोपिक आय, दूर का चीज नहीं दिखाई देता। एक्सक्यूज मी, ठीक है। सो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हुआ पास का चीजें क्लियरली दिखाई देता है। हम आपकी पॉजिटिव क्वालिटी को हाईलाइट किए हैं। शॉर्ट साइटेड मतलब पास का चीज क्लियर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो दूर का चीज क्यों नहीं दिखाई देता है? When object is at a far away distance the image does not form on retina but forms in front of it image appears blur image blurred दिखाई देता है, image appears blur। कब ऐसा होता है? जब कोई object आंखों से दूर है तो वो एग्जैक्टली इमेज को रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि आई इज इफेक्टिव, वो अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या कर रहा है? वो इमेज बना रहा है रेटिना के सामने। अभी हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि व्हाट इट मींस बाय इमेज, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे मिल रहे। अरे भाई, हम तो बोलते हैं अगर रिफ्रैक्टेड हमारे आंखों में पहुंचेंगे तो हमें इमेज दिखाई देगा। सोचो कि अगर हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक लेंस है और यहां से सपोज कोई रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ रहा है, कोई रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ रहा है और कोई रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ रहा है और वो यहां पे मिलते हैं। अगर यहां पे आप स्क्रीन रखोगे तो रिफ्रैक्टेड रेज आर मीटिंग एंड यू आर गेटिंग ए ब्राइट इमेज हियर। अगर आप स्क्रीन को यहां रखने की बजाय अगर स्क्रीन को लेके इससे भी आगे रखोगे, क्या रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे, लेकिन उनका इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगा। यू आर नॉट गेट ए शार्प इमेज, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इमेजेस हियर 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 एवरीवेयर, यू विल गेट ए ब्लर्ड इमेज, बहुत सारे पॉइंट में मिलेगा विथ लेसर इंटेंसिटी। सो व्हेन आई से अबाउट इमेज, आई से अबाउट द ब्राइट इमेज, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? In case of a myopic eye, the image is formed. In case of a myopic eye, the image is formed in front of retina. Retina से सामने बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है? They may ask you for a ray diagram. Okay, now let me try to show you how this is forming here and how देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्या correction हो सकता है। Suppose I say here is your eye, ठीक है, और ये eye है, तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ। अब इसमें हुआ यूं है, okay, तो अब मैं क्या क्या हूँ, इसके सामने कोई एक object रखा हूँ, वो object के चलते दूर पे कोई दूर का object है, दूर का ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसा है? सपोज हम कहेंगे ये है रेटिना, हम बात कर रहे हैं किसी एक दूर की ऑब्जेक्ट का, हम किसी एक दूर की ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। भाई दूर का ऑब्जेक्ट मान लो कि एक्स डिस्टेंस में है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां से जो रे आ रहा है वो आके ऐसे तो आया, ऐसे आके फोकल लेंथ प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाया, तो फिर ये क्या किया, तो ये आके कुछ ऐसा गिरा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा गिरा यहाँ पे। और दूसरा वाला क्या हुआ, ये यहां से आया, ये इसे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ये आके मिला कुछ यहाँ पे, लेट मी चेंज लिटिल, ये यहाँ पे बना, तो इमेज इज फॉर्मिंग in front of the retina, image is forming in front of the retina, not exactly at the retina,
अच्छा ये बात है, ठीक है। आई थिंक उसको थोड़ा अगर मैं पॉइंट पॉइंट डायग्राम लेता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। लेट मी शो यू हियर, मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ फिगर में। आई वांट टू मेक ए लिटिल चेंज। सपोज आई कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हियर समवेयर, तो यहां से कोई रे ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट किया, यहां से कोई रे ऐसे आया और ऐसा रिफ्लेक्ट किया। यस, ये दोनों आपके यहाँ पे ब्राइट इमेज बना रहे हैं, लेकिन रेटिना पे तो ब्लर इमेज बन रहा है। क्या करेंगे कि ये दोनों जाके रेटिना पे बनाएंगे, मतलब इसको थोड़ा और ऐसे कर देंगे, इसको थोड़ा और ऐसे कर देंगे तो बन जाए, मतलब ये रे को थोड़ा सा और डाइवर्ज कर देंगे, इसको थोड़ा सा और डाइवर्ज कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये मीटिंग पॉइंट आके यहाँ पे पहुंच जाएगा। सोचो कि अगर मैं ये रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया ऐसे, ये रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, तो ऑब्वियसली दे आर मीटिंग ऑन दिस, मतलब हमारे आंख का पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो दोनों रे को डाइवर्ज करके रेटिना के ऊपर ला पाए। हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि दोनों रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया जाए। We want to diverge the rays. We want to diverge the rays. तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे जो कि डाइवर्ज कर पाएगा? कौन सा लेंस यूज करेंगे? Obviously concave lens यूज करेंगे. We'll make use of a concave lens here, which will be able to diverge the rays. अगर मैं यहाँ पे कोई एक कंकेव लेंस यूज कर रहा हूँ फॉर योर इंटरेस्ट, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कंकेव लेंस है। ये कंकेव लेंस होने से क्या हो गया कि ये जो है अब ये लेंस के अंदर से जाता हुआ रे थोड़ा सा और डाइवर्स कर जाएगा। ये जो रे यहां पर जा रहा था ऐसे जा रहा था, ये रे क्या करेगा अभी, दैट रे विल नाउ जस्ट मिनट, अब ये कंकेव लेंस में यूज कर रहा हूं, अब ये कंकेव लेंस यूज करके जो रे ऐसे जा रहा था, ऐसे पहले जा रहा था, उस रे को मैं थोड़ा सा और डाइवर्स करवा दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा डाइवर्स करवा दिया, तो अब वो जब आएगा यहां से थ्रू दी आई लेंस वो आपके यहां पे गिरेगा। ये रे भी थोड़ा सा डाइवर्स करवा दिया ऐसे, तो ये आके यहां पे गिरेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इमेज यहां पे आ गया, समझ में आ रहा है? तो चीजों को बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। यहां पर होता हुआ चीज को नहीं देख पा रहा है, लेकिन अभी हमारे आंखों के सामने लेंस होने के कारण अभी वो इसको नहीं देख रहा है। ये ऑब्जेक्ट का इस लेंस में एक इमेज बन रहा है, कॉल इट आई वन, दैट आई वन इज द ऑब्जेक्ट फॉर आवर आई लेंस। रिमेंबर, हमारे आंखों को अब ये ऑब्जेक्ट ओ वन नहीं दिख रहा है, ओ वन नहीं देख पा रहा है। उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि मेरे सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? यहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है। बोले हां, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको दिखता है। दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा था। व्हाट इज आई वन? आई वन इज द इमेज ऑफ ओ वन इन द कंकेव लेंस, एंड फॉर माई आई लेंस इट इज द ऑब्जेक्ट। और इसको पास में होते हुए भी वो फोकस कर पा रहा है और देख पा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आंख इसको देख नहीं पा रहा है, आंख सिर्फ इसको देख रहा है। ये किधर गया, क्या क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। आई इज नॉट एबल टू सी ओ वन, आई इज एबल टू सी आई वन, क्योंकि आई वन इज नॉट फार अवे, आई वन इज नॉट फार अवे, ओ वन वॉज फार अवे। ओ वन काफी दूर में था, वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये देख पा रहा है, ठीक है। ओ वन कहां था? से इट वॉज एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। सर इनफाइनाइट डिस्टेंस तो फिर तो दोनों पैरेलल होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, समझाने के लिए मैं इसे क्या हूं, फिर पैरेलल के लिए ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इन पैरेलल, समझ में आ रहा। अब ये डिस्टेंस होने से उसको दिखाई देता है, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ farthest point that the eye can see with a myopic eye.
भाई आई का प्रॉब्लम क्या हुआ है, दूर का चीज उसको दिखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि 5 मीटर से आगे जो चीजें हैं उसको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब 5 मीटर के अंदर होने से वो देख पाता है। जो बच्चों को क्लासरूम में बोर्ड ठीक से नहीं दिखाई देता वो क्या करते हैं, सर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो टीचर क्या बोलते हैं, ठीक है तुम फ्रंट बेंच में आ जाओ, लेंस तो बना के नहीं देंगे, फ्रंट बेंच में आ जाओ। हाँ उसका आई 5 मीटर दूरी से देख नहीं पा रहा था, 2 मीटर दूरी से देख पाता है, अरे कंफर्टेबल नाउ, यस सर, यस मैजिक। क्या हुआ, 5 मीटर दूरी से आगे को चीजों को दिख नहीं पा रहा था, 5 मीटर के अंदर सारी चीजों को देख पा रहा था। मतलब अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है उसका इमेज अगर हम 5 मीटर दूरी पे बना देते हैं, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है उसका इमेज को अगर हम 5 मीटर दूरी पे बना देते हैं तो इंफिनिटी वाला चीज को भी वो देख पाएगा। और इंफिनिटी से कोई चीज ऑब्जेक्ट अगर इधर आने लगा, हम तो लेंस में पढ़े हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इंफिनिटी पे है, इमेज बन रहा है हमारा विजिबल रेंज पे, तो मेरे आंखों में प्रॉब्लम था कि 5 मीटर से ज्यादा दूर की चीजों को दिखाई नहीं दे रहा था, मैं कुछ डाइवर्जिंग लेंस का बंदोबस्त किया। अब इंफिनिटी पे कोई चीज है, मैं इसका इमेज को 5 मीटर दूरी पे फॉर्म कर रहा हूं और देख पा रहा हूं। अगर वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इधर आने लगा तो फिर इमेज भी तो इधर ही आने लगेगा, और ये जोन भी तो मैं देख सकता हूं 5 मीटर के अंदर, तो मैं देख सकता हूं। तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे है उसका इमेज को यहां पे बनाऊं। यहां पे मतलब कहां पे, एट डिस्टेंस x, ये x क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस द मायोपिक आई कैन सी क्लियरली। सपोज कोई मायोपिक आई है वो x डिस्टेंस से ज्यादा चीज को, दूर चीज को देख नहीं सकता, तो x आपको मालूम है ना, तो फिर हमें ये सारा चीज को लिख के आगे बढ़ना है और कैलकुलेशन करना। लेट पॉइंट नंबर 3, क्या करें, पॉइंट नंबर 3, लेट ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स farther than 1 distance x for normal eye x क्या है, infinity, for normal eye x is infinite, ये ध्यान में रहे। मायोपिक आई x डिस्टेंस से ज्यादा दूर की चीज को देख नहीं पा रहा। हाँ, we use a diverging lens to, why diverging you have understood, diverging lens to create image of the object at infinity at a distance x। थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो गया, आपको अच्छा नहीं लगेगा। We use a diverging lens to correct this error, सीधा इतना लिखते हैं, to correct this error with a diverging lens the object at infinity forms image at a distance, बताओ कहां बनाएगा, एट ए डिस्टेंस इंफिनिटी में है तो दिखाई नहीं दे रहा था, कहां पर उसे हमें दिखाई देगा, एक्स डिस्टेंस में,
रजिस्टर्स एस, ये समझ में आना चाहिए। मतलब जो डाइवर्जिंग लेंस हम यूज करने जा रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट रहेगा अगर इंफिनिटी में तो इमेज कैसे रहेगा, इमेज ये डाइवर्ज हो जाएंगे, इमेज कैसे रहेगा, द इमेज विल फॉर ए डिस्टेंस एक्स। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? अरे यस यस यस, ये बात आपको समझ में आना जरूरी है। हम क्या किए हैं, कोई एक डाइवर्जिंग लेंस क्रिएट किए हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज किए हैं ताकि ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी में है वो इमेज बना रहा है यहां पर। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसमें प्रोड्यूस हुआ है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डाइवर्जिंग लेंस। और ये डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यू से सर दिस डिस्टेंस इज x, क्योंकि वो x डिस्टेंस की चीजों को देख पाता था। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी, ठीक है। तो बताओ बताओ क्या, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस। तो कहेंगे 5 फॉर द डाइवर्जिंग लेंस, फॉर द डाइवर्जिंग लेंस u इज इंफिनिटी, v इज माइनस x, 1 by v, f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u, ना? तो फिर u तो इंफिनिटी हो गया, v माइनस x हो गया, इसका मतलब f हो गया माइनस x, f हो गया माइनस x, मिल गया। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, हमें पता चल गया क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू x। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, f इज इक्वल टू माइनस x, देख थिंग्स आर सो सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ठीक ठाक? Yes. तो अब बात यह है कि अगर आपको 5 मीटर से ज्यादा दूर की चीजें दिखाई क्लियरली नहीं देता है तो आपको कितनी पावर का एक लेंस लगाना पड़ेगा। पहले बताओ व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज -5 मीटर, है कि नहीं। फोकल लेंथ अगर -5 मीटर हो गया, पावर हो गया 1/5, 1/5 होता 0.2, तो 0.-0.2 मेरे को लेंस लग गया, क्लास में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था तो ग्लास लग गया, कितना -0.2 डाइप्टर, 0.2 हुआ ना। अगर आपको 2 मीटर से ज्यादा दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रहा है, 2 मीटर से ज्यादा दूर की चीज दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या कहोगे, 2 मीटर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कहोगे फोकल लेंथ 2 मीटर, तो पावर कितना हो जाएगा 1/2, 0.5 -0.5 डाइप्टर, ठीक है। तो नेगेटिव पावर देखो जितना ज्यादा होगा उतना डेंजरस है, तो पावर कम होना चाहिए। तो क्या दिखा हमें, हमें दिख गया द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज दिस। तो ये पूरा चीज को सिंगल लाइन में लिखेंगे, इफ ए पर्सन विथ मायोपिक आई इज नॉट एबल टू सी, इसको हम एग्जाम्पल पे लिखेंगे, नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 2 मीटर क्लियरली, देन ही हैज टू यूज ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ -2 meters, that is power
-0.5 डायोप्टर। क्या बात समझ में आ गया है ना? ठीक है, ये हो गया मायोपिक आई, जिसके बारे में हम लोग देख लिए। द आई लेंस हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू फोकस एट द फार अवे पॉइंट को जो रेज आ रहे हैं उनको रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा। हम लोग कहते हैं ना फोकस करो दिखेगा, फोकस करो मींस लेंस इज नॉट फोकसिंग हियर, लेंस इज ट्राइंग टू फोकस द रेज कमिंग फ्रॉम हियर ऑन टू द रेटिना, है ना। तो हम इस पे फोकस किए, इस पे फोकस किए मतलब नॉट दैट द रेज कमिंग आउट आर फोकसिंग हियर, हम कहेंगे यहां से जो रेज निकल के आ रहे हैं वो रेटिना पे फोकस हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात हो गया, ये हो गया मायोपिक आई, और इसके बारे में हम लोग इतनी सारी चीज देख ली। नाउ लेट अस सी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं फार साइटेडनेस। ध्यान रखना हम लोग पॉजिटिव क्वालिटी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फार साइटेडनेस का मतलब हुआ दूर की चीज ठीक से दिखाई दे रहा है, पास की चीज दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे 25 सेंटीमीटर में कोई चीज को क्लियरली पढ़ लेना चाहिए, आप देखोगे कि वो थोड़ा ऐसे दूर करके देखता है तो उसको क्लियरली दिखाई देता है, मतलब द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन हैज शिफ्टेड अवे। ही इज फीलिंग डिस्कम्फर्ट, उसको पहले से हैबिट था कि ऐसे पास में लेके पढ़ने के लिए, अब दूर करके पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, हर कोई ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे करके पढ़ रहा है तो उसको तकलीफ होता है। तो ये जो है बीमारी इसमें क्या है, डिफेक्ट ऑफ आई वेयर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन शिफ्ट्स। अभी फ्रॉम आई ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन शिफ्ट्स अभी फ्रॉम द आई, इट्स जनरली ए ओल्ड एज प्रॉब्लम, इट्स ए ओल्ड एज प्रॉब्लम है, इट इज एन ओल्ड एज प्रॉब्लम। वंस यू रीच 40-45 ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या 25 सेंटीमीटर में जो चीज रहेंगे हमको क्लियरली दिखाई देता था पहले जब हम बच्चे थे, अब बड़े हो गए पता चल रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखने से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई कैन नॉट फॉर्म इमेज, ऑन रेटिना whether the image forms beyond the retina, beyond retina मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर हमारे सामने अगर हम कहेंगे कि कोई एक this is what is the eye और यहां से मान लो कि ये आई है हमारा, एक्सक्यूज मी, ये आई है और अब इसमें हुआ यू है कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखे हैं ये इसमें मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है कहीं और यहां पे रखा है, तो इसकी जो इमेजेस होते हैं वो होना चाहिए कहां पर, होना चाहिए यहां पर, लेकिन जो डाइवर्स हुए तो
ये कुछ ऐसा इधर गए, ऐसा इधर गए, मतलब ये अपना फोकल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ये जो ऑब्जेक्ट है कितने दूर पे है, इट डिस्टेंस डी जो है उनका इमेज वो यहां पे परमिशन कर रहा है। सोचो क्या करेंगे कि इमेज रेटिना पे बनेगा, हम इसको थोड़ा और ज्यादा कन्वर्जिंग बनाएंगे कि लेस कन्वर्जिंग बनाएंगे। ज्यादा कन्वर्जिंग करेंगे मतलब, ज्यादा कन्वर्जिंग करेंगे मतलब ये और भी थोड़ा पास हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा आ जाएंगे ऐसे, है कि नहीं? ज्यादा अब जानते हो कि पावर इज द कन्वर्जिंग एबिलिटी, जितने ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हो जाता है, जितना कम डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो जाता है उतना ज्यादा पावर है। तो हम कहेंगे हम इसका पावर बढ़ाना चाहेंगे, आई बढ़ा नहीं पा रहा है, 44 डायोप्टर तक लेना था ले नहीं पा रहा है। आपको करना क्या करना है, अगर ये रे को जो यहां से कन्वर्ज होकर यहां पे आ रहे थोड़ा और ज्यादा कन्वर्ज करवा देते तो शायद ये आ जाता। ज्यादा कन्वर्ज करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रे को दूसरा एक कन्वर्जिंग लेंस के अंदर से पास करवाना पड़ेगा। तो कन्वर्ज इट मोर फास्टर ऑन द रेटिना, यू हैव टू यूज अनदर कन्वर्जिंग लेंस, ये लेंस कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। मायोपिया में क्या होता था, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर लेता था, उससे पहले उसको डाइवर्ज करने की जरूरत था, अभी ये कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा है, इट इज फॉर्मिंग इमेज बियॉन्ड द रेटिना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में, टू करेक्ट द एरर, करेक्ट द एरर ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड, कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड, एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं ताकि इसको करेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो जो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें दी ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस डी फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द आई, देयर व्हाट इज एक्स, एक्स इज the least distance of or minimum distance of or LDCV of the defective eye। क्या आपको समझ में आ रहा है, नॉर्मल आई का LDCV क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, बट नाउ ये डिफेक्टिव आई है, इसका LDCV least distance of clear vision is not 25 सेंटीमीटर, डिजलेस आई मो। तो सोचो, तो सोचो, तो यहां पे थोड़ा ध्यान से अगर सोचोगे कि हियर इज योर आई, थोड़ा गेस करके देखो, यहां पर आपकी आंख है और ये आंख है, तो ये यहां से ऐसे आया, लेट मी ड्रॉ इट फास्टर, तो ये आंख है, आप क्या कि यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट रखे, you keep an object here at a distance d from here, ठीक है, आप यहां से d distance में कोई एक ऑब्जेक्ट रखे और उसके सामने आपने एक दूसरा लेंस भी रखा, ये दूसरा लेंस भी रख दिया उसके सामने, है ना, ये जो दूसरा लेंस है दिस विल हेल्प यू टू कन्वर्ज इट मोर, इसकी सहारे आप इसको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये दूसरा लेंस के सहारे आप इसको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हो, ये लेंस कहां है, क्लोज टू द आई। अब क्या हुआ कि ये जो आई आ रहा था, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा डाइवर्ज करेंगे,
डाइवर्ज करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा था। देखो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितना डिस्टेंस में, डी डिस्टेंस में रखा है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा एट डिस्टेंस एक्स, इमेज बनने वाला है एट डिस्टेंस एक्स। पहले बताइए कि ये ऑब्जेक्ट के लिए जो ये इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा, दैट इमेज विल बिहेव एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई। ये जो इमेज बन रहा है लेंस में, बताना आपको ये है कि ये इमेज इस लेंस में बना है, इस लेंस में बना है। दैट इमेज इज ए वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। कौन सा इमेज? अरे यदि ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बना है तो वर्चुअल इमेज ही है ना, इट्स ए वर्चुअल इमेज है कि नहीं? ये एक वर्चुअल इमेज है, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट की साइड में बना है। दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, दिस इज द इमेज फॉर दिस लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। हाँ ठीक है, यहां से रे जाके आई लेंस में अब जाएंगे तो कन्वर्ज कर जाएंगे, नाउ द रे विल गो एंड कन्वर्ज ऑन योर आई। तो ठीक है, ये जो आई है वर्चुअल इमेज बन रहा है, कोई कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब बनता है? हम बताए थे लोकेशन ऑफ इमेज फॉर ए कॉनकेव मिरर इज सेम एज दैट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज केप्ट बिटवीन फोकस एंड द पोल द इमेज वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हियर आल्सो द सेम थिंग, कॉनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस दोनों बराबर। तो आप कहोगे अगर लेंस का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लेंस आप यूज करें उसका फोकस कहां है, ये पक्का यहां पे कहीं होगा, ये पक्का यहां पे कहीं होगा। फोकस हैज टू बी बिटवीन ओ एंड आई। समझ में आया? वर्चुअल इमेज बनेगा, डायरेक्ट इमेज बनेगा, बस मुझे पता ही करना है कि फोकल लेंथ क्या है। हम कहेंगे यू तो है माइनस डी, बी तो है माइनस एक्स, एक्स क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर द डिफेक्टिव आई, बी इज माइनस एक्स, ये एक्स डिस्टेंस में बना है, ये डिस्टेंस कितना है एक्स है, ये क्या है फोकल लेंथ है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस क्या है डी है, ऑब्जेक्ट है आई है फोकल लेंथ। और ये एफ यहां पे क्यों आ रहा है, ये लॉजिक आपको समझ में आया, क्यों? क्योंकि आपको एक वर्चुअल इमेज बनाना है, रियल इमेज नहीं बनाना, यू आर ऑलरेडी एट ए डिस्टेंस डी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस में होने से आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस में होने से अगर इमेज यहां पे बनेगा, आई डिफेक्टेड है, उसको लगेगा कि हाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट को कितना दूर पे पकड़ के रखा होगा, ऑन एट डिस्टेंस डी है ना। चलिए तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हियर यू इज फॉर द करेक्टिंग लेंस, हियर फॉर द करेक्टिंग लेंस, U is minus D, V is minus X, and 1 by V minus 1 by U, or उल्टा लिखते हैं, 1 by F is equal to 1 by D minus 1 by U, 1 by V मतलब minus 1 by X, minus, minus 1 by minus D, तो हो गया plus D, so it is 1 by D minus 1 by X, और the focal length is dx by x minus d, so the focal length of the lens required is given by dx by x minus d। इतना focal length की अगर हम lens use करेंगे तो हमारे आंखों से d distance में object को रखेंगे, किताब को 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे, लेकिन हमें दिखेगा clearly, क्यों? क्योंकि इसका image बन रहा है हमारा, हमारा जो एलडीसीबी है, मेरा डिफेक्टिव आई का एलडीसीबी जो है वहां पे बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस।
तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, इट इज dx / x - d। हां d 25 सेंटीमीटर है, d और x दिया रहेगा, तो आसानी से वो आप उसका फोकल लेंथ सेट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अगर क्वेश्चन दूंगा कि ए ए हाइपर और ए मैन सफरिंग फ्रॉम फारसाइटेडनेस cannot see objects closer to a 50 centimeter for normal eye, least distance of clear vision is 25 centimeter. Fine. What should be the power of reading glass? Power of the reading glass for the man. ठीक है, power क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया है? x d पहले देख लेते हैं, d दिया हुआ है, what is d given? d is given 25 सेंटीमीटर, और हमारा यहां पर x क्या दिया है? l d c v for defective eye is given 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो what is the focal length of the lens required? You need a convex lens. What is that? dx / x - d. dx / x - d. It is 25 into 50 / 50 - 25 is equal to, ये हो गया 25, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो क्या पावर चाहिए? What is the power required? ये जो है कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होना चाहिए? यहां पर 1 / f पॉजिटिव पावर होना चाहिए। तो हम कहेंगे पावर इज, ठीक है, सो द पावर इज इक्वल टू 1 / f, 1 / 0.5 व्हिच इज 2 डायोप्टर। तो उसको 2 डायोप्टर का लेंस चाहिए। सोचो मेरे आंखों में आजकल क्लॉस 2 का पावर लग रहा है, मतलब 50 सेंटीमीटर से पास कोई चीज मेरे पास सामने रखोगे, पढ़ नहीं सकते। अरे मैं तो अपना सीक्रेट बता दिया, कोई रिजल्ट दिखाएगा, देखिए देखिए रिजल्ट करके मेरे पास ले आएगा, अब तो दिखाए थे बोल देंगे, अब पता चला मेरे को दिखाई नहीं दिया, नहीं अच्छा ये सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। तो ये चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपको हाइपरमेट्रोपिक आई एंड मायोपिक आई, ये दोनों किस्म की आई के डिफेक्ट और उसके करेक्शन के बारे में डिस्कशन किए। ओवरऑल देख लेते हैं, आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस एडजस्ट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सच ए वे दैट द इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना। दिस कैपेबिलिटी ऑफ रेटिना टू एडजस्ट the image on the retina for any position of the object is called accommodation. Loss of this ability of accommodation is called a defective eye. Defective eye may be myopic eye. That means you are not able to see things beyond a certain distance. Then you use a concave lens or a diverging lens so as to form an image in the visible distance. Infinity का distance अगर आपका x distance से ज़्यादा दूर की चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, by using a lens you create the image at a distance x. The focal length of the concave lens required or diverging lens required is equal to x. Okay? हाँ diverging है तो हम minus x कह सकते हैं, but magnitude will be same as x.
देन कम्स द हाइपरमेट। अच्छा मायोपिक आई में और क्या था, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट इंफिनिटी, द इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना नॉट एट द रेटिना। तो इसलिए इसको थोड़ा और ज्यादा डाइवर्स करने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस ले रहे हैं। बट इन केस ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है 25 सेंटीमीटर, वही शिफ्ट कर जाता है दूर 40-50 सेंटीमीटर में शिफ्ट कर जाता है। एट 25 सेंटीमीटर यू कैनॉट सी थिंग्स क्लियरली, तो आपको क्या करना पड़ता है, इन दैट केस इफ यू कीप एन ऑब्जेक्ट एट द 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट एलडीसीवी द इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड द रेटिना। तो इमेज जो रेज जा रहे हैं ए रेटिना के बियॉन्ड जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा कन्वर्ज कर देंगे तो क्या होगा, रेटिना पे फॉर्म कर पाएंगे इमेज। फॉर दैट वी नीड एडिशनल कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, एडिशनल कन्वर्जिंग लेंस। एडिशनल कन्वर्जिंग लेंस यूज करने के लिए कैसा लेंस यूज करेंगे, ऐसा लेंस यूज करेंगे कि जिसकी केस में ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस में रहेगा तो इमेज एक्स डिस्टेंस में बनेगा, ठीक है, एंड द इमेज ऑफ दिस लेंस करेक्टिंग लेंस विल बी बिहेविंग एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई। बात बन गया, तो हम इससे निकाले द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड इज dx / x - d। क्या यहां तक की चीजें सबको ठीक ठाक समझ में आया? यस सर। आगे तो इसका मतलब यहां तक समझ में आ गया ना, आगे देखोगे इंस्ट्रूमेंट में एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा, क्योंकि यही ज्यादा थ्योरेटिकल था, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखना था, उसमें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अभी हम लोग देख लिए ये वाला क्वेश्चन, चलिए देखते अब अदर डिफेक्ट्स लाइक प्रेस बायोपिया। फिजिक्स के लिए नहीं चाहिए बता देते हैं, और एक है एस्टिगमैटी, ये प्रेस बायोपिया क्या है बताओ, प्रेस बायोपिया क्या है कि 25 सेंटीमीटर वाला चीज भी नहीं दिखता है, थोड़ा दूर करने से दिखता है और 5 मीटर से आगे का चीज भी नहीं दिखता है, दोनों एरर है। सो यू हैव टू मेक यूज ऑफ बायफोकल लेंथ। यूजुअली दूर के चीज को देखने के लिए हम इस चश्मे के ऊपर वाले हिस्से से देखते हैं, तो ऊपर वाला एक लेंस का होता है, नीचे वाला रीडिंग करने के लिए दूसरे लेंस को देखते हैं यहाँ पर। तो हम बायफोकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है, इसमें बोथ दी जो पावर है, दोनों डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस का जो डिफेक्ट है और इसका जो डिफेक्ट है, दोनों डिफेक्ट रहता है, बोथ मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट दोनों आते हैं। तो करेक्शन कैसे करते हैं भैया, करेक्शन करते हैं यूजिंग बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस मतलब दो ठो लेंस यूज करना है, हाँ सिंपल है। अगर ये कोई एक बाइफोकल लेंस है, आप इसके अंदर से देख रहे हो, तो बताओ ये लेंस का ऊपर वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, नीचे वाला हिस्सा क्या होना चाहिए। ये कोई एक लेंस है, ऊपर वाला हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि दूर का ये आपका ऊपर वाला हिस्सा क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग है, दूर का चीज को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए इसको यूज करें, ऊपर वाला होगा डाइवर्जिंग और नीचे वाला होगा कन्वर्जिंग। समझ में आ रहा क्या, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो जब कोई दूर का चीज को देखते हो, आप चश्मे के ऊपर वाला हिस्से से देखते हो, तो दूर का चीज क्लियरली दिखाई देगा, और जब आप नीचे वाले हिस्से से देखते हो, रीडिंग के लिए यूज करते हो, तो प्रेस बायोपिया में ऐसे यूज किया जाता है, नीचे वाला कन्वर्जिंग रहेगा, ऊपर वाला डाइवर्जिंग रहेगा, बाइफोकल रहेगा। एस्टिगमैटिज्म क्या है, इसमें क्या है कि जो आई है ये अपना, ये आई है वो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करता है, लेकिन एक डायरेक्शन में कर पाता है। मान लो कि ये कोई एक सरफेस है, ये मान लो कि ये कोई एक सरफेस है आई का, चलो हम आई को रेटिना से बैठ के, रेटिना से बाहर पीछे से देख रहे हैं, हम पीछे से देख रहे हैं आई बॉल को,
मान लो कि ये इसको ऐसे तो चेंज कर सकता है, इस रेडियस को कम कर सकता है, लेकिन ये रेडियस को कम नहीं कर सकता, इसको कम नहीं कर सकता, इसको कर सकता है। करना चाहिए क्या, चारों तरफ से बराबर करेगा तभी जाके फोकस होगा प्रॉपरली। मान लो इस रेडियस को कम करने वाले मसल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको काम कंप्रेस करने वाले मसल्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो चीजें आप सामने देखेंगे उनका, इसको पैरेलल करके जो लेंथ रहेगा उसका डायमेंशन हमें क्लियर नहीं दिखेगा, जबकि इसको पैरेलल करके जो चीजें रहेंगे वो डायमेंशन प्रॉपरली दिखेंगे। सामने अगर हम कोई चीज ऐसे रखेंगे तो ये लेंथ को हम प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लेंथ को हम प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपरली फोकस कर पा रहा है, इसको एडजस्ट कर रहा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। इसका ये वाला लेंथ क्या है, क्योंकि ये प्रॉपरली हो पा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो पा रहा है, तो ये लेंथ को ये प्रॉपरली फोकस कर लेगा रेटिना पे, ये नहीं कर पाया तो नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम यहां पे सिलिंड्रिकल लेंस यूज करना चाहते हैं। इसके सामने हम इसे सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। अगर ये कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो सेम सिलेंडर रहेगा लेकिन ऐसे रहेगा, सिलिंड्रिकल लेंस ऐसे रहेगा, वी हैव टू एडजस्ट, ताकि एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम एडजस्ट कर लिए एक्सटर्नली, दूसरी तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर को आई खुद ही कर रहा है, दैट मींस आई मसल्स आर नॉट वर्किंग सिमेट्रिकली, तो ऐसा डिजीज क्रिएट होता है। तो इसमें क्या एरर है आपको याद रखना है, क्या है कि क्या कहेंगे इसमें, दी आई इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ऑर्थोगोनल ऑब्जेक्ट्स, मतलब सारे डायमेंशन को देख नहीं पाएगा। करेक्शन क्या होता है, करेक्शन इज यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस, करेक्शन इज बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस, जो कि बहुत कॉस्टली होता है और डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए, हर कोई इसको नहीं कर पाएगा। सो दिस वे वी कुड फॉलो फॉर द आई एंड व्हाट आर द डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ द आई। प्रेसबायोपिया क्या है, डेफिनेशन दिया, एस्टिगमेटिज्म क्या है वो पूछेंगे, मायोपिक आई और इसके बारे में हम लोग देख लिए। तो अगले क्लास हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी देख लेंगे। आज की क्लास यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, दैट इज ऑन संडे। तब तक के लिए जय हिंद।